breaking news. पश्चिमी उत्तर प्रदेश महिला उद्योग व्यापार मंडल द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट को मिलावट खोरों के खिलाफ एक ज्ञापन दिया गया। व्यापार मंडल की महानगर अध्यक्ष राशि पाराशरी एडवोकेट ने बताया कि होली आने वाली है और ज्यादा मुनाफे के चक्कर में लोग खोए में मिलावट करते हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष डॉक्टर रुचि कपूर ने बताया कि कोई भी त्योहार होता है, सभी त्योहारों में मिठाइयों में मिलावट का धंधा जोरों पर चलता है, इसलिए हम अभियान चलाएंगे इन मिलावट खोरों के खिलाफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की महामंत्री कंचन शर्मा ने बताया कि हम सब व्यापार मंडल के पदाधिकारी जगह जगह जाकर प्रोग्राम करके लोगों को मिलावट खोरों के खिलाफ जागरूक करेंगे। इस मौके पर उपासना पाठक मालदा पर भी मेरा नाम राशि पाराशरी एडवोकेट है, मैं व्यापार संघ की महानगर अध्यक्ष हूँ। मैम, आप किस उपलक्ष्य में आपने विज्ञापन दिया? आज हम लोगों ने मिलावटखोरी के संदर्भ में विज्ञापन दिया है। जैसे कि विदेता की होली करीब है, जगह जगह खोया बन रहा है और हम हर घर में गुजिया बनेंगी और बच्चे भी सबसे ज़्यादा गुजिया ही पसंद करते हैं और घर का बंदा खाता है, तो हम लोग ने मेन फोकस खोए को लेकर किया है कि इसमें जो जगह जगह मिलावट हो रही है ताकि उस पर आप ध्यान दें। और उन्होंने भी काफ़ी हद तक हमें आश्वासन दिया है कि आगे कोई भी ऐसी समस्या होती है तो तुरंत आप हमें सूचित करें, कहीं भी ऐसी मिलावट पाई जाती है तो हम सबसे सख्त कदम उठाएंगे। फिर हमने गांव की भी जिक्र छेड़ा, गांव में भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें खुली पाई जाती हैं, मिठाई है, मक्खियाँ मर जाती हैं, तो उन्होंने इस पर भी हमें कहा है और कि हम इस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे कार्रवाई करने और कहने से कुछ नहीं होगा, हमें इन सबके लिए खुद जागरूक होना पड़ेगा, हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। भले ही हमें महिलाएं हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उन चीज़ों को हम फेस करेंगे और आगे आने वाले टाइम में आसपास के एरिया जो रूरल एरिया है वहाँ पर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर रुचि कपूर है और मैं उत्तर प्रदेश महिला व्यापार मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। और बाकी ये है कि हम श्री धर्मराज मिश्र जी पे आए थे ये एक ज्ञापन लेकर के कि जो आजकल कोई भी त्यौहार होता है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, तो जो खाद्य पदार्थों में, मिठाइयों में स्पेशली जो मिलावटखोरी देखी जाती है, तो उसके लिए ही हमने ज्ञापन दिया है कि थोड़ा संज्ञान लिया जाए ऐसे लोगों का। और बाकी ये है कि देहात में जो है लोग इतना जागरूक नहीं है, शहरों में तो लोग अवेयर हैं, जो है आला अधिकारियों का अपना सहयोग चाहते हैं। बाकी ग्रामीण जनता को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम यही आश्वासन देते हैं कि हम उनका पूरा जागरूकता अभियान में जो है उनका सहयोग करेंगे। और बाकी कोई भी शिकायत होती है किसी भी तरीके की, अगर मतलब बासी मिठाइयाँ या बासी खोया वगैरह गाँव क्षेत्रों में चलता है, तो ये है कि उनको इसके खिलाफ जो है आकर के यहाँ पे शिकायत दर्ज करानी चाहिए। बाकी सहयोग करने के लिए हम सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कंचन शर्मा, मैं उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल की महिला इकाई की महानगर मंत्री हूँ। और हमारा अभी हम लोग यहाँ पर आए थे जो ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट में, तो हम आपस में हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग रूरल एरिया में जाएंगे, स्पेशली रूरल एरिया में हम लोग जाएंगे और जाके वहाँ के लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे, जिसमें हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। हमारी जो महानगर अध्यक्ष है रामकृष्ण शुक्ला जी, राशि जी, बाकी डॉक्टर रुचि जी, तो हम सभी लोग इसमें जाएंगे और जाके एक प्रोग्राम करेंगे टाइम टू टाइम, त्योहारों पे स्पेशल हम इस तरह के प्रोग्राम करके पब्लिक को अवेयर करेंगे।